तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा मुल्क राज आनंद 1905 से 2004 तक, जो कि एक इंडियन इंग्लिश राइटर थे और ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में जो पिछड़ी जातियां थी उन पर लिखने के लिए ज्यादा जाने जाते थे। और इसी के साथ साथ ये आर के नारायण और राजा राव जैसे बड़े ऑथर्स के समकालीन थे। इन्हें अपनी शॉर्ट स्टोरीज और नॉवेल्स के लिए भारत में तो क्या, भारत के बाहर भी बड़ा सम्मान मिला। और बात करें इनकी अचीवमेंट्स की तो इन्हें पद्म भूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड और इंटरनेशनल पीस प्राइज भी मिल चुका है। और इसी के साथ साथ इन्हें भारत का चार्ल्स डिकेंस भी कहा जाता है। तो आज की हमारी वीडियो इन्हीं पर है, मुल्क राज आनंद। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हु वाज मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद कौन थे? तो इसका जवाब होगा, मुल्क राज आनंद वाज प्रोमिनेंट इंडियन ऑथर ऑफ नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज एंड क्रिटिकल एसेज इन इंग्लिश, हु इज नोन फॉर हिज रियलिस्टिक एंड सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द पुअर इन इंडिया। तो मुल्क राज आनंद अपनी नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और क्रिटिकल एसेज वगैरह इंग्लिश में लिखा करते थे। एक तरह से कहें तो बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश ऑथर थे। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद की फर्स्ट नॉवेल कौन सी थी? तो इसका जवाब होगा, हिज फर्स्ट नॉवेल वॉज अनटचेबल, पब्लिश्ड इन 1935, वॉज एन अकाउंट ऑफ डे टू डे लाइफ ऑफ एन अनटचेबल। तो मुल्क राज आनंद की पहली नॉवेल थी अनटचेबल, जिसे 1935 में पब्लिश करवाया गया और एक डे टू डे लाइफ पर बेस्ड ये नॉवेल है। एक लाखा नाम का लड़का है, उसकी कहानी है ये, जो कि एक अनटचेबल होता है। बहुत ही बढ़िया नॉवेल है दोस्तों, आपको पढ़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज मुल्क राज आनंद अवार्डेड विथ पद्म भूषण, मुल्क राज आनंद को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका जवाब होगा 1968। और अगर मैं पूछूं कि व्हेन वाज मुल्क राज आनंद अवार्डेड विथ साहित्य अकेडमी अवार्ड, तो इसका जवाब होगा 1971। और इंटरनेशनल पीस प्राइज इनको मिला था 1953 में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइटिंग स्टाइल ऑफ मुल्क राज आनंद, मुल्क राज आनंद का राइटिंग स्टाइल कैसा था? तो इसका जवाब होगा, हिज राइटिंग्स आर रिच विद द रियलिस्टिक एंड टचिंग पोर्ट्रेयल प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन मैन, ऑफन रिटन विद हार्ट रेंचिंग क्लैरिटी। मुल्क राज आनंद वाज दी मच टू फैमिलियर विद द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअरर सेक्शंस हिमसेल्फ। तो मुल्क राज आनंद रियलिस्टिक लिखा करते थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पुअर सेक्शंस पे ज्यादा लिखा करते थे, यानी कि पिछड़ा वर्ग। अब हम इनकी कुछ नॉवेल्स और ऑटोबायोग्राफीज पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले नॉवेल्स ऑफ मुल्क राज आनंद, तो ये कुछ नॉवेल्स हैं मुल्क राज आनंद की। सबसे पहले अनटचेबल 1935, उसके बाद कुली 1936, उसके बाद टू लीव्स एंड अ बर्ड 1937, उसके बाद द विलेज 1939, उसके बाद अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1939, द सॉर्ड एंड सिकल 1942, द बिग हार्ट 1945, द लॉस्ट चाइल्ड 1934, द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 1953, इसके बाद लास्ट है द रोड 1961। तो ये थी नोटेबल नॉवेल्स ऑफ मुल्क राज आनंद। अब हम इनकी कुछ ऑटोबायोग्राफीज पे नजर डालते हैं। तो ये है मुल्क राज आनंद की ऑटोबायोग्राफी, सबसे पहले सेवन समर्स 1951, उसके बाद मॉर्निंग फेज 1968, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, जो कि बेस्ट लिटरेचर अवार्ड होता है इंडिया के अंदर। इसके बाद कन्वर्सेशंस इन ब्लूम्सबरी 1981। तो ये थी कुछ ऑटोबायोग्राफीज ऑफ मुल्क राज आनंद। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।